गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल असी इलैक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया सी चैप्टर। हुण असी थोड़ा जिहा अगों करना है इलैक्ट्रिक फील्ड की हुंदा है। सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं इलैक्ट्रिक फील्ड, इलैक्ट्रिक लाइनज ऑफ फोर्स, इलैक्ट्रिक फ्लक्स। यह तीन चीज़ां पता लग जाएगियां, उस तो बाद असी की करना हैगा गॉस लॉ। ठीक है, हम सब तो पहले की है इलैक्ट्रिक फील्ड की हुंदा है। इलैक्ट्रिक फील्ड जो मैं तुम दस्या है कि इलैक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर च असी चार्जेस नू रेस्ट ते लैने। ठीक है, वो चार्ज जिहड़ा हैगा है, जे सपोज मैं यह चार्ज लिया है, वह चार्ज अपने आले दुआले कोई रिजन होएगा जिथे उहदा फील्ड जिहड़ा एक्सपीरियंस होएगा। मतलब की हैगा है कि जो असी चार्ज नू रखते हैं उहदा आला दुआला जिथे उहदा असर दिखाई दिंदा है कि चार्ज पिया होया, उस एरिए नू की बोलते हैं असी इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ए वैक्टर क्वांटिटी हुंदी है, इहनू असीं निकालना किस तरह हैगा है। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिहड़ी हैगी है, इहनू निकालन दा मैथड हैगा। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हुंदी है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हुण इह सब तो पहले हैगा है कि टेस्ट चार्ज की हुंदा है। टेस्ट चार्ज कहड़ा चार्ज हुंदा है जिहड़ा टेस्ट करेगा कि जिहड़ा पहले जिहड़ा चार्ज लिया सी उह उहदी नेचर की हैगी है। ठीक है, हुण इह तुहाडे कोल पहले चार्ज पिया, बट आई डोंट नो वैदर इट इज़ पॉजिटिव और नैगेटिव चार्ज। मेरे कोल एक चार्ज हैगा जिहड़ा प्लस चार्ज हैगा, उहनू मैं इहदे कोल लैके आ रही हूँ। ठीक है, यह पॉजिटिव चार्ज है। हुण जे सपोज यह अट्रैक्ट हो रहा है, फिर की होएगा? इहदा मतलब नैगेटिव हैगा तां ही अट्रैक्ट हो रहा। जे यह रिपेल हो रहा, इहदा मतलब हैगा की होएगा? यह पॉजिटिव होएगा। इहदा मतलब इट इज़ गोइंग टू टेस्ट दैट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड नू डिफाइन किस तरह करना है? फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज। सो फोर्स दी वैल्यू असी पहले कीती हुई है। फोर्स की हुंदा है? असी कल कीता सी, इलैक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। इहदे च Q1 दी जगह ते की लै लो तुसी? Q लै लो, ते Q2 जिहड़ा हैगा दूसरा चार्ज, उहनू टेस्ट चार्ज लै लैने आ। सो इट इज गिवन बाय, नाउ इलैक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज। सो इहनू किहदे नाल डिवाइड कर दोगे? Q0 नाल डिवाइड कर दोगे। बाकी टर्म की रह जाएगी? Q/R2। सो दिस इज गिवन बाय इलैक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ नैक्सट इज इलैक्ट्रिक लाइनज ऑफ फोर्स की होंगी है। इलैक्ट्रिक लाइनज ऑफ फोर्स तुहानू रस्ता दसदी है कि चार्ज ने किहड़ा रस्ता अपनाना है, जदा किहड़ा रस्ता ट्रेस किया। ठीक है, इट टेल्स यू द पाथ विच इज ट्रेस्ड बाय द चार्ज। सो इहदे कुछ प्रॉपर्टीज हैगियां। मेन प्रॉपर्टीज की हैगियां कि पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा होएगा उहदे लई इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ियां बाहर नूं पॉइंट करदियां, बाहर नूं उहनूं डिफाइन करीदा। नैगेटिव चार्ज होएगा उहदे च अंदर नूं होणगियां। जे पॉजिटिव नैगेटिव दोनों हैगे है तो इधरों इलैक्ट्रिक फील्ड जो लाइनस बनानियां हैगियां तो किधरों जाणगियां? पॉजिटिव टू नैगेटिव जाणगियां। ठीक है, यह कुछ कु हैगे है इन्हां दे जड़ी इलैक्ट्रिक लाइनज ऑफ फोर्स दियाँ प्रॉपर्टीज़ हैगियाँ। टेंजेंशियली हमेशा चलदियाँ है, दूसरिया की हैगियाँ अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, दूसरा की हैगा है कि इलैक्ट्रिक लाइनज ऑफ फोर्स जिहड़ियां हैगियाँ ने अलोंग द टेंजेंट जांदियाँ। टेंजेंट का मतलब हैगा कि सरफेस जिहड़ा हैगा इस तरह जाएगा, परपेंडिकुलर, सॉरी टेंजेंशियली। एंड मोर ओवर दूसरी गल की हैगी कि इलैक्ट्रिक लाइनज नैवर कट ईच अदर, नैवर क्रॉस ईच अदर। क्यों क्यों नहीं क्रॉस कर दिया? दे नेवर क्रॉस ईच अदर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वाई डोंट दे क्रॉस? बिकॉज जिहड़ा भी पॉइंट होएगा, जे तुसी दो लै रहे हो तो इहदा मतलब एक पॉइंट दे उत्ते दो डायरेक्शन शो हो रही हैं। इस तरह नहीं हुंदा, एक चार्ज की एको ही डायरेक्शन होंगी है कि उन्हें किधर नूं जाना है। मतलब इत्थे जे तुसी कट कर दोगे कि इधर नूं चले जाई, इंजी कहिंदे ना क्रॉसिंग नूं, इह क्रॉस हो गया। क्रॉस का मतलब की है कि कोई ना कोई पॉइंट तो होएगा जिथे दोवें मीट कर रही होनगियां, मतलब यह दो डायरेक्शन दसनगियां। एंड तो पॉसीबल ही नहीं है क्योंकि लाइनज ऑफ फोर्स जी एक ही डायरेक्शन दसदी, चार्ज ने एको डायरेक्शन से जाना होंगे। सो नैक्सट इज इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स की होंगे? इलैक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली फ्लक्स जोड़ा है वह कला की होंगे? फ्लक्स का मतलब हैगा कि नंबर ऑफ क्वानटिटी, बहुत ज़्यादा क्वानटिटी कोई फ्लो कर रही है, इन्हों फ्लक्स बोलते हैं। जिवें टैप तो पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा टैप तो पानी आ रहा, तो असं की कहेंगे कि वाटर फ्लक्स है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस तरह चार्ज तो मूव करता पाया है, जो चार्ज कितने हैगा है खड़ा, तो वह चार्ज जोड़ा है किसी सरफेस तो बाहर
इस तरह अं शो करा कि लाइन ऑफ फोर्स जगह ने शो कर रही है कि इतने किन्ने चार्जेस है हम इतने काफ़ी चार्जेस है सारे के बाहर पॉइंट करनगे ना मतलब लाइनस बाहर निकलन ए लाइनस जगह ने किनिया है ठीक है दैट इज गिविंग यू द फ्लक्स पर यह फ्लक्स न डिफाइन करने की कंडीशन हैगी है कि फ्लक्स जी असी परपेंडिकुलर टू द सरफेस लैनी है परपेंडिकुलर का मतलब है कि यह नहीं कि जिधरों मर्जी यह सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए ज इस तरह ज इस तरह ठीक है विद इन द सरफेस असी नहीं लैनी है सो इलैक्ट्रिक फ्लक्स की होंगे दैट इज गिवन बाय फाई ठीक है फाई होंगे इलैक्ट्रिक फ्लक्स वो की होंगे इलैक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट लैना है असं डॉट प्रोडक्ट की होंगे ई डॉट डी एस वैक्टर डी एस वैक्टर इज द वैल्यू ऑफ द समॉल एरिया कुछ एरिया असी समॉल एरिया लैना है एज सपोज टोटल है सरफेस ए छोटा एरिया लिया है क्योंकि लाइनस असं देख रहे हैं कि इनिया कि निकलिया ये सो ए सरफेस में असं की बोलेंगे डी एस This ds, if we combine these ds, then we get the total surface area. Okay, so E dot ds, ए आ गई फ्लक्स वैक्टर क्वांटिटी है वैक्टर प्रोडक्ट इतने वैक्टर लेना है वैक्टर प्रोडक्ट है ई डॉट डी एस सो इट कैन बी रिटन एज डी फाइव भी लै सकते हैं टोटल हैगा ठीक है ds ds कट्ठे करोगे ए डी एस कट्ठे करोगे तो टोटल एस आ जाएगा इन इस तरह लिखोगे ना क्योंकि ds ए कि इक्वल है एस के इक्वल है एस की होंगे एरिया होंगे सो इसकी जगह पर मैं कि लिखा हुआ है डी एस वैक्टर लिया है ए डी एस वैक्टर इतने लिया है पर ई डॉट नाल लैना है क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड नाल हैगी ठीक है एज प्रोडक्ट है पर कि प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट लैना जो वैक्टर क्वानिटी लैना सो ए की हैगी है इलैक्ट्रिक फ्लक्स हूँ फ्लक्स की वैल्यू जी है असी यूज करनी है फॉर द गॉस थ्योरम गॉस थेरम भी लिख सकते हो गॉस लॉ भी लिख सकते हो ठीक है ये असी क्लोज्ड सरफेस लैना है डेफिनेशन की हैगी है कि जेड़ा चार्ज होएगा टोटल ए क्लोज सरफेस लिया है ठीक है एस ले लो ए टोटल सरफेस सफेयर लैना है कंसिडर अ सफेयर इन विच द टोटल चार्ज इज लैट क्यू क्यू टोटल चार्ज हैगा तो जड़ी हैगी है इलैक्ट्रिक फ्लक्स वो कि इक्वल होएगी फ्लक्स इज गिवन बाय विच इज इक्वल टू दिस उन्होंने डिफाइन किया वो कि इक्वल होएगी वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए जिन्ना चार्ज है सो यह जी चार्ज इनकलोज है मैं समॉल क्यू लिया कैपिटल क्यू भी लै सकते हैं असं जो मर्जी चार्ज लै सकते हैं सो ए लैना है पहले इन डी एस बनाओगे कि यदा छोटा जहा एरिया है डी एस ओके एदा डी एस दी डायरेक्शन बार नू यूनिट वैक्टर जे बनाना है क्योंकि यह इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हैगी यूनिट वैक्टर की इनू भी बार नू बना लो इत कोई ओ पॉइंट ले लो जिथे असी चार्ज नू अज्यूम कर रहे हैं कि कंसनट्रेट हो रहा है ठीक है ए डिस्टेंस लोगे इतों लैके इतों तक लैट इट बी डी ओके सो यूनिट वैक्टर भी इधर नू जा रहा है ए यूनिट वैक्टर एन वैक्टर ले लो या डी कैप ले लो जो मर्जी लै सकते हो क्योंकि यह तेरे को आर है ये नाल ही मिलता जुलता ले लो यूनिट वैक्टर ए डी है तो ए डी कैप हो जाएगा जो आर है तो आर कैप हो जाएगा ए डी एस जोड़ा है यदि वैल्यू हैगी डी एस वैक्टर जोड़ा फ्लक्स दस रहा है कि बहर न जा रहा है क्यों बहर न जा रहा है क्योंकि इतने असी अज्यूम किया कि पॉजिटिव चार्ज है ठीक है नाओ वी विल ड्राइव दिस इक्वेशन गॉस थ्योरम जी असी ड्राइव करनी हैगी है यह तो सिर्फ स्टेटमेंट हैगी सी हुण ड्राइव करने लई सब तो पहले की करना हैगा असी डायग्राम जिहड़ी है वह मस्ट हैगी है डायग्राम जरूर बनानी हैगी है जिहड़ी हुणे मैं बनाई सी डायग्राम ठीक है तो गॉस थ्योरम जिहड़ी हैगी है उहदे च एक चीज़ याद रखनी है कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स की कलैरिटी होनी चाहिए है गॉस थ्योरम लई कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स की हुंदा हुण इलैक्ट्रिक फ्लक्स असी डिफाइन कर लिया होया तो सानू यह पता होना चाहिए है कि असी सफेयर दे विच सरफेस एरिया कितना होंदा है सफेयर का सरफेस एरिया कितना होंदा है फोर पाई आर स्केयर ऐसी छोटिया क्लासेस च सब कर चुके हुए हैं ठीक है सरफेस एरिया ऑफ सफेयर
विच इज इक्वल टू 4πr² हूँ असी फ्लक्स की वैल्यू देखनी है एक ही है ई डी एस इनू करन तो पहले तुसी ई डॉट डी एस वाली ही स्टेटमेंट लो जी पहले ली है ठीक है फ्लक्स की होंगे ई डॉट डी एस ओके हूँ इनू की करना है तुसी इदी वैल्यू लिखनी है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इनू असी खोलना ए डॉट डी एस ए डॉट बी दैट इज गिवन बाय ए बी कॉस थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर जो असी डायग्राम बनाई सी उदो असी सरफेस एरिया ए लिया है ठीक है एर यूनिट वैक्टर इधर न लिया है डी एस वैक्टर एस टर्न लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग आउटवर्ड ओ पॉइंट है डी इज द डिस्टेंस ओके चार्ज इज क्यू हूँ ए इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ा हैगा ए ई डी एस कॉस थीटा बन जाएगा क्योंकि ए डॉट बी जो ए बी कॉस थीटा होंगे हूँ ई तो डी एस एंगल कि हैगा 0° क्योंकि ए दोनों की डायरेक्शन इधर न होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलसो पॉइंटिंग आउटवर्ड्स सो 0° एंगल है तो कॉस 0 कि होंगे 1 यह की बन जाएगा ई डी एस कॉस 0 1 होंगे ई डी एस बन जाएगा ई बाहर निकाल लो अंदर की रह जाएगा टोटल सरफेस एरिया वी कंबाइन दीज इंटेग्रेशन का मतलब है कि असं सारे कंबाइन कर दिता है ठीक है जोड़ दिता है टोटल एस बन जाएगा ए सरफेस एरिया लैना वह सरफेस एरिया मैं तुम्हें पहले दसिया कि पता होना चाहिए 4πr² ए जगह से आर की जगह से डी आएगा क्योंकि डी नहीं आर नहीं लिया हुआ सी ठीक है हूँ फाई की आ गया 4πd² हूँ ए ई की वैल्यू निकालनी है ई वैक्टर कि इक्वल होंगे ई की वैल्यू कितने इक्वल होंगी है 1/4πε0 q/d² आर स्केयर होंगी इतने डी लैना ठीक है हूँ असी ए पुट करते हैं फाई की हो जाएगा 1/4πε0 q/d² इंटू 4πd² ए वाला इन्हों कैंसल कर दो ए भी कैंसल हो जाएंगे तेरे को फाई की आ जाएगा q/ε0 जो फ्लक्स है दैट इज गिवन बाय 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज ठीक है हूँ इस तरह डायरैक्ट भी कर सकते हैं अदरवाइज जो यूनिट वैक्टर लगाना है तो असी जड़ा हैगा ये इस तरह कर सकते हैं ई डॉट डी एस जोड़ा पहले लिखा सी ए बी कॉस थीटा द टाइम ठीक है वो असी यूनिट वैक्टर भी नाल लै सकते हैं ए बी कॉस 0 लगाने लिए अदरवाइज इनू एज सिंपल एज दिस कर सकते हैं ठीक है हूँ फ्लक्स तुहाडे कोल की आ गया 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज असी टोटल क्यू लिया हैगा इस जगह ते क्यू लै सकते हैं ठीक है q/ε0 हूँ ए जड़ा हैगा इहदी एक डेफिनेशन आ गई गॉस थ्यूरम के अकॉर्डिंगली अदरवाइज फ्लक्स किहदे कोल हुंदा है अदरवाइज असी पहले डिफाइन कर सकते हैं कि ए देखो ठीक है सो ए तुहानू सारे की दसेगा गॉस थ्योरम दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज गिविंग यू नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डू द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गॉस लॉ याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गॉस थ्योरम की हुंदा है फ्लक्स की हुंदा है फ्लक्स वैक्टर है स्केलर है एदा यूनिट की हैगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट की हैगा फ्लक्स जिहड़ी हैगी है वह किहदे इक्वल हुंदी है हुण ई डॉट डी एस दे इक्वल ते गॉस थ्योरम दे अकॉर्डिंगली दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स सो दिस इज ऑल अबाउट गॉस थ्योरम थैंक यू